नमस्कार भाई दोस्तों, क्या आज के समय में किसी की मदद करना, किसी के लिए आवाज़ उठाना भी गुनाह हो गया? क्या गुनाह हो गया? आपको याद होगा किसान आंदोलन में जो भी मदद करने आए थे उन सब के ऊपर फर्जी केस लगाए गए थे, हम भी शामिल हैं उसमें, जो फर्जी केस लगाए थे। उसके बाद जो भी सच की आवाज़ करता उठाता है उसके ऊपर केस लगाए जाते हैं। आपको याद होगा दीप सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला, लखासा दाणा, जिनके ऊपर झूठे केस, झूठे मुकदमे किए गए थे। अभी एक नया नाम और जोड़ लीजिए उसमें। ऐसे कब तक युवाओं को मतलब दबाया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा? भाई इतना प्रेशर क्यों देना चाहते हैं ये बताओ। श्री बराड़ पंजाबी सिंगर है, उसने बंदी सिंगों के ऊपर एक सॉन्ग बना दिया, एक गाना बना दिया। जैसे ये गाना बनाया, एक वकील है, अपने आप को वकील बोलता, बाकी वकील तो है नहीं, वो दीप सिद्धू के ऊपर भी बहुत केस करता था, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी उसने केस किए थे, उसने श्री बराड़ के ऊपर केस कर दिया। केस कराया चलो ठीक है, केस तो बंदा लड़ लेगा, फिर धमकियां देना किसने बताया भाई कि उसको धमकी दे दो? धमकियां देना किसने बताया है? उस बंदा डिप्रेशन में जा चुका है वो श्री बराड़। उसे एक ही बात कहेंगे, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता श्री बराड़ भाई, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा ये झूठ जो आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। आपके लिए सभी आवाज़ उठा रहे हैं, भाना सिद्धू ने भी बोलिया, लखासा दाणा ने, भाई ने भी बोलिया है, सभी आपके साथ हैं। ये याद रखना कि सभी आपके साथ खड़े हैं, आपको ऐसे नहीं दबने दिया जाएगा। और ये बात मुअल्लिम मोर्चे में भी पहुंचाई जाएगी कि बंदी सिंगों के ऊपर गाना बनाने के लिए भाई को ऐसे ऐसे प्रेशर में लाया जा रहा है, नहीं दबने दिया जाएगा ऐसे। वो वकील कौन है उसका? भाई पंजाब के अंदर ही रहता बताया वो, उससे बिठा के एक बार पूछो ना। नियंग सिंगों से, नियंग सिंगों जो अगुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार उस वकील को बुलाओ मुअल्लिम मोर्चे पर, उससे पूछो भाई तेरे तकलीफ क्या, दिक्कत क्या है। तो ऐसे सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी केस करता था, ये बोल रहा है। उसने जैसे ही बंदी सिंह के ऊपर गाना बनाया, गाना थोड़ा सा चलिया, उसके ऊपर केस कर दिया, बोल रहा है ये हथियार कल्चर को बढ़ावा दे रहा। कितनी फिल्में हैं जिनके अंदर हथियारों का दिखाया जाता है, सभी पर केस कर वकील साहब, सभी पर केस करना चाहिए। क्यों अपने पेशे को बदनाम करने पर तुले हो? चंद रुपयों के लिए तुम अपने पेशे को बदनाम करते हो? वकील तो वो भी हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं, वो होते हैं वकील, वो रखते हैं अपने काले कोट की इज्जत। तो गरीब लड़कियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो केस लड़ते हैं ना, वो सही मायने में वकील कहलाने के लायक हैं। ऐसे लोग वकील कहलाने के लायक नहीं है जो अगर मदद कर रहे हैं तो उसके ऊपर केस कर दो। याद आया सिद्धू मूसेवाला पे भी इसने केस किए थे, यही है वो वकील। नाम भी बताएं क्या, नाम भी बताएं क्या इसका? ऐसे आदमी को नाम लेकर फेमस निकलना चाहते, लेकिन एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको बीच में बुलाया जाए, इससे पूछा जाए कि भाई तेरे दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत पूछी जाए। और वो श्री बराड़ भाई है, अपनी तो बात नहीं हो, पहले बात होगी तो पक्का बताएंगे, डिप्रेशन में नहीं आना है दोस्त। कोई भी सच की आवाज़ उठाता ना, इससे भी ज़्यादा केस करे जाते हैं, नहीं तो ना लखासा दाणा भाई से बात कर लेना, बात करके देखना झूठे केस कैसे लगाते हैं, नहीं तो ये बैठे भाई कभी बात होगी तो बता देंगे कितने झूठे केस लगा सकते हैं ये। देशद्रोह का लगा दो, आतंकवादी का लगा दो, खालिस्तानी का लगा दो, मतलब ये ही रहेंगे। और केस लगाने वाले कौन हैं ये पता आपको? केस लगाने वाले कौन हैं? चलो उस भाई के मुंह से ही सुन लो आप। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਨਾ ਕਟਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਦਬਾ ਦੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਤਾਓ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ बंदे ने मतलब इतनी मेहनत की है, डिप्रेशन अलग से दिखाई दे रहा है ऐसे क्यों भाई? चंडीगढ़ मोर्चा चल रहा है जी, देख सारे भ्रावा भेणा भ्रावा पता ही होना, सारे भ्रावा पता है चंडीगढ़ मोर्चा चल रहा है। ऐसे ही किसान आंदोलन में किया था, जो मदद करने आते थे उनके ऊपर झूठे पर्चे पा देते थे, सारा कुछ मैं लोगों सामने सीधा ही चलता है। पैसे पूसे जो इन्हें क्यों होता है भाई? ये कब तक होता रहेगा? कब तक होता रहेगा ये? कोई बताएगा इस चीज को? एक्शन लेना पड़ेगा हर चीज के ऊपर। हौसला होया चल, चार पैसे होंगे ठीक है, और जब तक आवाज नहीं उठाओगे ना तब तक ऐसे ही होता रहेगा। रुपिंदर ने एक फोन किया, मैं रुपिंदर आप हर हाल गाना करना है, धन
क्यों भाई मेनू किसानी मोर किसानी मोर्चे तो जुड़े भरावां दे फोन आए श्री जिमे किसान एंथम करिया सी ना ओ जा गाना अज गाना करिए ओ जा गाना करिए मैं वीर नूं क्या मैं क्या हद नहीं है किसी चीज की हद हदें पार हो चुकी हैं वो बोलते हैं ना पाप का घड़ा इनका भर चुका है इनके पाप का घड़ा और वो फूटना बाकी है अभी फूटना बाकी है गलत फिर बता रहे हैं एक बार गलत जगह पे आके पंगा ले रहे हो नियंग सिंह अगुवाओं से भी एक रिक्वेस्ट है इस बच्चे के बारे में देखकर उस वकील को जरूर बुलाएं एक बार बीच में बुला के पूछो कि आपको प्रॉब्लम क्या है आपको सिद्ध मूसेवाला से भी प्रॉब्लम थी अभी श्री बराड़ ने बंदी सिंह के ऊपर गाना बना दिया इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है ऐसे ही दबाते थे लेकिन आंदोलन में क्या था बुजुर्गों को इतना नहीं दबा पाए उनके अंदर हौसला था युवा है युवा दब जाता है लेकिन आजकल का युवा दबने वाला नहीं है ये भी याद रखना इतनी जल्दी नहीं दबेगा युवा युवा अगर अपने उस पर आकर अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी ना युवा ने ये जो सरकारी टट्टू घूम रहे हैं ना ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे ये ढूंढे से भी भागेंगे फिर ये देश छोड़ छोड़ के झोला उठा उठा कर भागेंगे ये और आने वाला है इनका ये समय भागेंगे ये मोहाली मोर्चे पर जो जा रहा है उनके ऊपर कल देखा आज देखो जाके देखो मोहाली मोर्चे पर हरियाणा और पंजाब के भाई मिल रहे हैं कितना अच्छा स्वागत कर रहे हैं पंजाब वाले अपने छोटे भाइयों का देखा होगा ना सबने और फिर देख लो आपका आज देख लो कल देख लेना परसों देख लेना खुले दिल से मिलते हैं खुले दिल से उनको पता कि हमारे भाई हैं ये आए हैं हमारी सपोर्ट में ये होता है इंसानियत कहते हैं इसको मोहाली मोर्चे पर पहुंचो भाई ज़्यादा और हाँ श्री बराड़ भाई के लिए भाई आवाज़ उठाओ इस भाई को डिप्रेशन में जा रहा है बातचीत करो सभी और इसको ना दबने मत देना और उस वकील को जरूर बुला के एक बार पूछना कि प्रॉब्लम क्या है नियंग सिंह से भी बात करेंगे उनको भी बताएंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है ऐसे नहीं दबने दिया जाएगा इसकी आवाज़ को कोई भी है किसी के ऊपर भी प्रेशर हो रहा है जैसे लक्का से दाना के ऊपर केस किया था तब भी हमने बोला था कि झूठा केस किया हटाना पड़ेगा ना केस अब इस भाई को भी झूठे केसों में फंसाया जा रहा है इसके लिए आवाज़ बनो सभी सभी आवाज़ बनो भाई की जितनी ज़्यादा ज़्यादा हो सकते हैं आप वीडियो डालते हो वीडियो डालो वीडियो को शेयर करते हो शेयर करो कोई नया साथी चैनल से जुड़ता है ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए सबकी हक और सच की आवाज़ उठाई जाएगी भाई यहाँ पे हक और सच की आवाज़ उठाई जाएगी जितनी हो सकती उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का काम आपका है सच्चाई रखने का काम हमारा है और जो भी है ना वो सुनील सानील जो भी है वकील थोड़ा अच्छा नहीं लगता है अपने पेशे को बदनाम मत करो इतना ही कहेंगे इससे ज़्यादा तो और क्या कहें ज़्यादा मत अपने आप ही समझो तुम जिसकी चमचागिरी कर रहे हो ना ठीक नहीं है वो सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।